हमारे से आते हैं भाईकल्ला पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई दिनेश कदम सर। सर कोविड-19 चल रहा है, इतनी महामारी है, बीमारी है, लेकिन उसमें सर अक्सर देखा गया है कि बीएमसी के अधिकारी तो उतरे हैं, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस बहुत ही अपने तहे दिल से काम कर रही है, और उसमें मुंबई पुलिस भी सर कोविड-19 की शिकार हो रही है। जैसे मुंबई में जो है कि जे मार्ग हुआ या आपका भाईकल्ला हुआ, उसमें भी सर आप भी आ रहे हैं इतने डेंजर माहौल में, क्या करेंगे कहेंगे सर? नहीं, हमें तो अभी एक काम करना ही चाहिए। हमारे लोग नो डाउट पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद 14-15 दिन में आके ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं, सब हमारा पुलिस का मोरल बहुत हाई है, हमें बहुत अच्छे सीनियर ऑफिसर्स और गवर्नमेंट से हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी ये तो काम हमें करना ही है, चैलेंज हम लोग को ये चैलेंज पूरा करना ही है। थैंक यू। देखिए भाईकल्ला पुलिस स्टेशन की तरफ से मजदूरों को पानी भी दिया जा रहा है, बिस्लेरी बॉटल दी जा रही है, बाकायदा जैसे कि आपने देखे मजदूरों से हमने कहा तो उन्होंने मुंबई पुलिस भाईकल्ला पुलिस स्टेशन का बहुत ही शुक्रिया अदा किया कि वो लोग आराम से अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखाएं, देखिए खाने के साथ में इनको पानी भी दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है जो लोग महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को सल्यूट करते हैं उसकी वजह यही है कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र में ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपने काम को काम से बढ़ के काम अंजाम देते हैं। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? बिहार के लिए। मुंबई पुलिस भाईकल्ला पुलिस का क्या क्या कहना चाहेंगे उनके बारे? अच्छा है, अच्छा सुविधा दिया। क्या कहेंगे? धन्यवाद दे रहा हूँ पुलिस को। आप लोगों को जो फैसिलिटी से भेजा जा रहा है, लोग तो साइकिल और पैदलों पे भी गए गांव, हम लोग को अच्छा तरीका से भेज रहा है। चलिए पूरी पब्लिक बहुत ही भाईकल्ला पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है, धन्यवाद कर रही है। हम आशा करते हैं इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से मुंबई पुलिस, जिस तरह से कोविड-19 है, मुंबई पुलिस ना कभी थकी है, महाराष्ट्र पुलिस ना कभी थकेगी, ना कभी हारी है, ना कभी हारेगी। इसी तरह से उनकी सेवा अंजाम होती थी और होती रहेगी। मुंबई से भाईकल्ला से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स। भाईकल्ला पुलिस चौकी जिंदाबाद, भाईकल्ला पुलिस चौकी जिंदाबाद, भाईकल्ला पुलिस चौकी जिंदाबाद, भाईकल्ला पुलिस चौकी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए ये जा रहे हैं भाईकल्ला पुलिस का, ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त हैं मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पे। देखिए यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर है और जो गांव जाने वाले लोग हैं यूपी वगैरह के लिए, वो सब इस तरह से यहाँ पे बस में भर भर के भेजा जा रहा है। हमारे साथ हैं नागपाड़ा के पुलिस अधिकारी। सर यहाँ पे डेली कितने लोगों को भेजा जा रहा है आप लोगों के यहाँ से, जो प्रोटेक्शन के हिसाब से? जैसा ट्रेन अवेलेबल होता है हमारे को, ऊपर से ऑर्डर आता है, जैसे 2 ट्रेन 3 ट्रेन, आज 3 ट्रेन जाने वाला है। लगभग सर कितने लोगों को भेजा जाता है, कितने हजारा लोग रहते हैं? एक ट्रेन में 1800 लोग भेजते हैं अपन, 1800 लोग भेजते हैं, तो 3 ट्रेन के हिसाब से 5,400 या 6,000 लोग जाते हैं। सर सुबह से आते हैं, फिर ये लाइन कब तक रहती है सर? नहीं, हम तो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। जब भी एक ट्रेन को 3 घंटा हमको जाता है, एक ट्रेन अगर भरना है 3 घंटा जाता है, क्योंकि कम से कम 35 बस जाती है इधर से, 35-36 बस जाती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, 3 घंटा जब भी लगता है। सर आपका नाम क्या, आपका डिजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम API बोरसे, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। देखिए मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पे सतर्क है, मुंबई पुलिस भी पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देने से ज़्यादा काम से बेहतर काम कर रही है। धूप में पुलिस वाले भी पूरी तरह से यहाँ पे लगे हुए, ये जो BST की बस है यहाँ से भर भर के। सर ये बताइए आप लोग कहाँ से ये बस में ये जो भेज रहे हैं ये लोगों को? हम लोग अभी नागपाड़ा से डायरेक्ट कुर्ला लोकमान्य तिलक स्टेशन भेज रहे हैं। आप BST से? BST से हैं। सर ये कितनी बस, टोटल लगभग कितनी बसें जाती है भर के यहाँ से? यहाँ से अभी कम से कम 8 बस गए भर के, अभी वापस अभी 6 बस जा रहा भर के। ये डेली का शेड्यूल है? ये डेली का शेड्यूल है। आपका नाम क्या है? मेरा गौतम हसन कामले। देखिए BST के भी अधिकारी हैं, ये पूरी तरह से यहाँ से लोग बस में भर भर के जाते हैं
और इन्हें जैसे इन्होंने बताया कि लोकमान्य तिलक जो स्टेशन है वहाँ भेजा जाता है। कैमरामैन से चाहूँगा, देखिए ये पूरा बताए, पूरी लाइन बताइए, हजारों की तादाद में लोग है, इतनी लाइन है, हम आपको लाइन बता बता के थक जाएंगे, लेकिन लाइन आप देख देख के थक जाओगे, लाइन कम नहीं होगी। ये लाइन वहाँ पे जो एलेक्जेंड्रा एक ज़माने में थिएटर था, अब थिएटर नहीं है, कॉर्नर तक के लाइन है। देखिए कैमरामैन से चाहूँगा ये पूरी लाइन दिखाइए, यहाँ से यहाँ आइए, पूरी लाइन दिखाइए, देखिए ये पूरी लाइन दिखाइए, वो देखिए लाइन वहाँ लास्ट तक के लाइन है। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप लोग? दरभंगा के लिए। दरभंगा बिहार? बिहार के लिए। हाँ। कितने पैसे दिए टिकट के? महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यहाँ पे टिकट के पैसे नहीं लिए गए, आप लोगों को भेजा जा रहा है ट्रेन से, बस की भी फैसिलिटी, बस से आप जाओगे यहाँ से स्टेशन, उसके बाद में ट्रेन में जाओगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? लोग तो पैदल भी गए हैं काफ़ी तकलीफ़ों से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बोलेंगे। ज़रा थोड़ा ज़ोर से बोलिए। बहुत अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुविधा दिए हैं। बहुत लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है। मजदूर, बेसहारा, बेबस, लाचार लोग हैं, बहुत ही परेशान हो गए थे लॉकडाउन में, अब हार के इन्हें जाना पड़ रहा है। चलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ही सिस्टम से इन्हें भेजा जा रहा है। ये बताइए आप लोग अभी जो जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में लॉकडाउन खुलने के बाद आप वापस से महाराष्ट्र मुंबई आओगे? सोचेंगे, अभी जाके सोचेंगे। गांव जाके क्या करोगे? अभी वही खेती करना ही पड़ेगा। खेती करते हैं? हाँ हाँ। आप बताइए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आप लोगों को बस में, वहाँ से अभी ट्रेन में भेजा जाएगा, आप लोग अपने अपने घर सेफ्टी से जा रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? थैंक यू कहेंगे मुख्यमंत्री को, धन्यवाद देंगे, हमें लेके जा रहा है बस में, उसको भी हमारा बिहार सरकार। कहीं कहीं पानी वानी का दिक्कत होता है, उसका अगर सुविधा हो जाए तो अच्छा रहेगा। सब होगा, आगे भी हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, अगर ये चीज़ मिल गया ना हम लोग को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो ट्रेन बोल रहा है पटना तक जाएगा, पटना से आगे हम लोग को जाना है। चलिए पटना तक तो आप पहुँच रहे, लोग तो पैदल और साइकिलों पे आपने न्यूज़ देखे होंगे जा रहे लोग। हाँ देखे सर। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस और नागपाड़ा पुलिस के लिए क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया और ऐसा करना चाहिए। और नागपाड़ा पुलिस सीनियर PI शालिनी शर्मा, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको थैंक यू बोलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारी तरफ से ईद का शुभकामनाएं भी देते हैं हम उनको। ठीक है। गांव के लिए रवाना हो रहे हैं आप, अब कब गांव रिटर्न आएंगे? देखो अभी जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा जब आ जाएंगे। मतलब मुंबई तो वही है ना, थकती है ना थमती है ना डरती है, तो आप फिर से मुंबई आओगे? लॉकडाउन कोरोना वायरस चला गया तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्या काम करते थे? ये हेल्पर का काम करते थे, बिल्डिंग लाइन का। हाँ। कहाँ के लिए निकल रहे? अभी हम बिहार के लिए निकल रहे, बिहार जाएगा, फिर उसके बाद गांव में बीवी बच्चे को देख दाख के फिर आ जाए। वहाँ पे क्या काम करेंगे गांव? खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है। आप क्या कहेंगे? खेती बाड़ी करेंगे। हाँ। यहाँ की जो पुलिस है, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का। अच्छे है ना? और नागपाड़ा की जो सीनियर PI है उनके? वो भी सही है, वो बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पे भी ये दूसरी लाइन है, कैमरामैन से चाहूँगा ये लाइन दिखाइए, ये लाइन कमाटीपुरे की तरफ जाती है, यहाँ से जो भी गलियाँ शुरू होती है, 8वीं गली 9वीं गली 10वीं गली जो भी है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप लोग? बिहार के लिए। हाँ बिहार, पटना पटना। देखिए लोग सामान लिए हुए हैं सरों पे, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जा रहे बेटा? बिहार। बिहार, मुंबई कब आओगे फिर? वापस आओगे? हाँ। संभाल के जाइए, अपना ख्याल रखिए। देखिए पूरी लाइन देखिए, देखिए लाइन खत्म नहीं होगी, पूरा कमाटीपुरा, पूरा मतलब आगे जो गलियां बोली जाती, 12वीं गली 14वीं गली 15वीं गली, पूरी लाइन देखिए आप। कैमरामैन से चाहूँगा जूम करके दिखाएं,
बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, देखिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? हम लोग पटना के लिए जा रहे हैं। दरभंगा। दरभंगा जी। यहाँ क्या काम करते थे आप? लेडीज पर्स का। अब वहाँ गांव में क्या काम करेंगे? अभी तो जाने के बाद पता चलेगा, वहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। नहीं है ना? नहीं। फिर से कोविड-19 चले गया कोरोना वायरस, तो फिर मुंबई आएंगे? जब ठीक हो जाएगा, साधन होगा आने का, तब आएंगे। चलिए, मुंबई सोने की चिड़िया है, ये जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ये आएंगे, फिर से आएंगे, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर किसी को अपने में समा लेता है। मुंबई वाकई में सोने की चिड़िया है, पैसे की नगरी है। ये बेचारे जो लोग हैं, ये चाहे मजदूर हो, कामगार हो, ये मुंबई सिर्फ पैसे के हिसाब से आते हैं, इसलिए ताकि यहाँ पे पैसा, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी सिर्फ दिखाई दिया रहती है। देखिए यहाँ पे लोग ये पानी बांट रहे हैं, देखिए ये फ्री में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ भी दिखाइए, देखिए यहाँ भी ये फ्री में, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए फ्री में पानी दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये कब से पानी बांट रहे हैं? हम लोग जो है ना, जब से बस खुली है उस वक्त से हम लोग पानी बांट रहे हैं। माशा फ्री में डिस्ट्रीब्यूट? जी जी, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पानी के साथ साथ बनमस्का भी बांट रहे हैं हम लोग, वहाँ पे केला भी बांट रहे हैं, फ्रूटी वगैरह की जरूरत पड़ती है वो भी बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप गाँव जा रहे हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने हमारे लिए इतना किया, उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि वो हमेशा हमारे दिल में बैठ गए और हमेशा हमारे लिए रहेंगे। हाँ, और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की जो सीनियर PI है, उनके बारे में क्या करेंगे? काफ़ी बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं, उनका पूरे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, सबको लाइन से बिठा रहे हैं। दिल से बहुत ही बेहतरीन नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से हम लोगों को प्रयास मिला है और बहुत ही खुशी की बात है और कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुआ। मैं पुलिस नागपाड़ा पुलिस चौकी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओके, ओके।